हेलो स्टूडेंट, टुडे इज न्यू चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल वी विल स्टडी। आवर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर। व्हाट इज अ फैक्टर? अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, फैक्टर क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर है ऑफ गिवन नंबर या दैट नंबर। सपोज दैट आपको एक नंबर दिया जाए, ठीक है, 12, और 12 को 2 डिवाइड कर दे रहा है फुली, ठीक है, तो 2 क्या हो गया? विदाउट लिविंग रिमाइंडर अगर डिवाइड कर दे रहा है तो 2 क्या हुआ? फैक्टर हुआ ना, ठीक है, तो 2 क्या हो गया? 12 का फैक्टर हो गया। तो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, आपकी डिफिनेशन कह रही है फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो 2 जो है फैक्टर हो गया क्योंकि 2 जो है उस 12 को तोड़ दिया, ठीक। नेक्स्ट मल्टीपल। ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक। मल्टीपल क्या है कि 2 फैक्टर हैं, ठीक, उनका मल्टीप्लाई कर दें जो प्रोडक्ट आता है, तो वो मल्टीपल हुआ उन दोनों फैक्टर्स का, ठीक। सपोज दैट 2 into 3 में आप देखोगे 2 into 3 करो, उसका प्रोडक्ट आएगा 6, देन 2 and 3 क्या हो गए? दोनों ही जो हैं 6 को डिवाइड करते हैं तो दोनों फैक्टर हो गए, 2 and 3 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 6। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स गिव्स मल्टीपल, ठीक है। आप कह सकते हो ए नंबर इज सेट टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। अब 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? मल्टीपल होगा उन दोनों नंबर का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, वी नो दैट 15 = 1 × 15, 15 = 1 × 15। आप देखो 1 भी फैक्टर हुआ 15 का, एंड 15 आल्सो इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, क्योंकि अगर 15 से 15 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को और 15 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 और 15 दोनों फैक्टर्स हो गए 15 के। और जो ये 15 हुआ इक्वल टू के पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो 15 हुआ वो क्या हो गया? मल्टीपल हो गया किसका? 1 and 15 का, ठीक। सेकंड एग्जांपल देखो, 15 = 3 × 5, 3 × 5 क्या? तो 3 इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ 15। 3 भी 15 का फैक्टर है एंड 5 भी 15 का फैक्टर है, और इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 3 और 5 तो आपको आंसर क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है क्या? 15। ओके, तो यही आपकी डिफिनीशंस हैं, ठीक। नेक्स्ट, दस वी कंक्लूड दैट इफ़ ए नंबर एक्स डिवाइड ए नंबर वाई एग्जैक्टली, देन एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ वाई एंड वाई इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ एक्स। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर इन नंबर है एक्स किसी नंबर वाई को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, मतलब लीविंग एनी रिमाइंडर, देन हम एक्स को क्या कहेंगे? फैक्टर, एंड वाई को क्या करेंगे? मल्टीपल, ठीक। तो एक्स जो होगा वाई का फैक्टर होगा और वाई जो होगा मल्टीपल होगा एक्स का। ओके, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये क्लियर है क्योंकि 1 जो है सारे नंबरों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एंड एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ, और एवरी नंबर जो है यानी हर नंबर अपने आप का खुद का ही फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं।
वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स. फर्स्ट इवन नंबर्स. व्हाट इज इवन नंबर्स? ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई टू नोन एज इवन नंबर्स. ठीक है, वो नंबर जो टू के मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि वो सारे नंबर जो टू से डिवाइड होते हैं इवन नंबर होते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू, टू जो है टू से डिवाइड हो सकता है. और वन इंटू टू कर दो, टू वन जै टू कर दो तो टू आता है. फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी, जितने भी टू से टू के मल्टीपल्स हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं. ओके, ऑड नंबर्स, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू और नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. वो सारे नंबर्स जो ना तो दो के मल्टीपल हैं या दो से डिवाइड एग्जैक्टली नहीं होते, देन हम कह सकते हैं कि वो ऑड नंबर्स हैं. ठीक है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन. आप किसी को भी देख लो इन डिजिट इन नंबर्स में, तो आप देखोगे ये सारे ऑड नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि ना तो ये टू से डिवाइड होते हैं और ना ही ये टू के मल्टीपल हैं. ठीक, प्राइम नंबर्स, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. द नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर्स जो केवल दो फैक्टर रखते हैं, एक वन और दूसरा वो खुद. ठीक, तो वो नंबर्स जो एक से डिवाइड होते हैं या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक, देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से, टू, टू को आप वन से डिवाइड कर सकते हो और टू से भी डिवाइड कर सकते हो और कोई इसका नंबर नहीं है डिवाइड करने का. ठीक है, तो टू एंड इट्सेल्फ, टू इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्सेल्फ. थ्री भी वही है, वन से एंड थ्री से. फाइव वन एंड फाइव, सेवन वन एंड सेवन, इलेवन वन एंड इलेवन, थर्टीन वन एंड थर्टीन. तो ये दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. ठीक, कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स. अब ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर जो हैं मोर देन टू हैं, अब टू तो होना ही होना है क्योंकि वन एंड इटसेल्फ तो खुद होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके फैक्टर्स हैं तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ओके, फॉर एग्जांपल फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स. ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखिए, वन इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है, आप देखोगे कि रूल क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर्स में आप वन से डिवाइड होगे और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, तो वन से डिवाइड हो सकता है. ठीक, तो जब इसके अलावा वो किसी नंबर से मतलब खुद से डिवाइड होगा तो खुद ही वन ही वह है, तो इसमें प्राइम नंबर्स होगा नहीं, कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं होगा कि इसके मोर देन टू फैक्टर्स है नहीं. ठीक, टू इज़ द लोवेस्ट प्राइम नंबर. ठीक, क्योंकि प्राइम नंबर है, टू इज़ टू डिविजिबल बाई टू, तो ये टू की डिविजिबिलिटी रूल यानी जो इवन नंबर प्रॉपर्टी है वो तो फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए इवन नंबर है. एंड टू इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक, टू ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी हैं वो सब इवन नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर वन टू हंड्रेड. ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इरेथो
स्थनीज, ठीक, इरेटोस्थनीज ने एक मेथड बनाया था एंड नेम्ड इट सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। तो उन्होंने फाइंडिंग आउट करने के लिए 1 to 100 नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर इस मेथड को यूज़ किया था। एंड इसमें इन्होंने एक टेबल प्रिपेयर की थी 1 to 100, ठीक। देन इन्होंने क्या किया, 1 को एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, ब्लॉक बनाया, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, इसलिए उसको ब्लॉक बना के अलग रख दिया, ठीक है। और बाकी जितने भी नंबर थे तो उन्होंने 2 को सर्कल कर दिया, ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो और इसके बाद उन्होंने क्या किया, देन 2 के जितने भी मल्टीपल थे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, उन्होंने क्या किए, सब को क्रॉस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर है, उसको सर्कल कर दिया। देन 3 के जितने मल्टीपल्स थे उनको क्रॉस कर दिया। देन इसी तरह उन्होंने 5 को सर्कल किया, क्योंकि 4 जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है, 5 जो है और 2 का मल्टीपल है इसलिए उसको भी क्रॉस कर दिया, 5 को इन सर्कल कर दिया, ठीक, और उसके जितने मल्टीपल्स थे उनको क्रॉस कर दिया, ठीक। ऐसा उन्होंने सारे डिजिट्स के साथ किया, जो प्राइम नंबर्स थे उनको सर्कल और बाकी उनके मल्टीपल्स को उन्होंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखने पे आपको अपने आप ही जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो सर्कल में हो गए और जितने कंपोजिट नंबर्स थे दे बिकम क्रॉस्ड और वो क्रॉस हो गए। तो इससे हमें इजी वे में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स सेपरेटली मिल गए, ठीक। इससे हम देख के ही बता सकते हैं विच नंबर इज़ प्राइम नंबर एंड विच वन इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं ट्विन प्राइम्स। टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, देखिए जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, वो लगातार, सपोज दैट 2 and 3, 3 and 5, देखिए 2 and 3 के बीच में डिफरेंस कहाँ है, नहीं है ना, लेकिन 3 and 5 के बीच में क्या है, एक डिफरेंस आ रहा है, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, तो ये कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हुए, इसीलिए इन कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक। सेकंड प्राइम ट्रिपलेट, ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरेंसिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट, ठीक। कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का एक सेट और उनके बीच में जो डिफरेंस हो नंबर्स के 2-2 का हो तो वो ऐसा प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखोगे 5 minus 3 क्या करेंगे, कर देंगे तो 2 आएगा, डिफरेंस 2 आ गया 3 और 5 के बीच में। 7 minus 5 कर देंगे तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। तो और ये कंसेक्यूटिव हैं, 3 है 5 and 7, तो इनको हम कह सकते हैं ना, दीज आर द ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट, ओके। और यही ओनली प्राइम ट्रिपलेट होते हैं पूरे उसमें, ठीक, नंबर सिस्टम। को प्राइम्स, 2 नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम्स, वो को प्राइम्स ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर्स हो वो केवल 1, ठीक है। 2 नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनके बीच जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 हो, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो दैट नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। देखिए 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 4 and 9, 8, 15 and 9 and 10 आल्सो, क्योंकि
आप देखोगे कि इनके बीच जो डिफरें जो आप फैक्टर्स निकालोगे तो आप देखोगे जो इनका कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा केवल। ओके, नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। मतलब किसी गिवन नंबर्स के जो फैक्टर हों, ठीक है, अगर किसी गिवन नंबर के जो फैक्टर होते हैं अगर वो प्राइम नंबर्स हैं देन हम कह सकते हैं दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। ठीक, देखिए सपोज दैट 6 है, ठीक, या 12 है, इन दोनों के ही जो फैक्टर्स हैं 2 और 3 हैं, 6 को 2 और 3 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, बोथ आर द प्राइम नंबर्स, तो वी कैन से दैट 2 और 3 आर प्राइम फैक्टर। ठीक, अभी आइए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं। टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यानी फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। देखिए अब 36 को तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, तो 2 क्या है प्राइम नंबर एंड 3 क्या है आल्सो प्राइम नंबर, तो इनके प्रोडक्ट क्या है 2 × 2 × 3 × 3 क्या प्रोडक्ट क्या है 36। जब इनको हम प्रोडक्ट जब इनके बीच मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का तो उनका प्रोडक्ट जो आता है वो 36 है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के थ्रू 2 × 2 × 2, तो ये इनके ये प्राइम नंबर्स के जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या होंगे, वो 36 ही तो है, तो आप डिफिनीशन भी हमारी यही कह रही है। ठीक है, अभी आप देखो 36 को इन्होंने 3 फॉर्म्स में रखा हुआ है अलग अलग फैक्टर्स बना के, ये इसको ट्री फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ट्री फॉर्म में इन्होंने डिवाइड करके किया हुआ है। ठीक है, तो किसी नंबर को आप जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रखते हो तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो यहाँ पे किया भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या होता है। अगर हम देखो 2 × 2 को अगर करें, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2 हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें उनके बीच में तो क्या आंसर आता है 4 आ सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं 2 raised to the power 2। ओके, हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 2 × 2 को हम क्या रीड कर सकते हैं 2 raised to the power 2। 2 × 2 × 2 यहाँ पे 3 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 raised to the power 3। इसी तरह 4 times अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम इसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 4। ओके, इसी तरह किसी भी डिजिट्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम डिजिट से तो आप उतने नंबर का उस पे ऊपर पावर लगा सकते हो। अगर 3 का 2 times कर रहे हो तो 2 का पावर लगा सकते हो, 3 times कर रहे हो तो 3 का पावर लगा सकते हो सेम नंबर पे, और 4 है 5 है किसी भी नंबर्स का आप अगर मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से कर रहे हो तो उतना पावर आप लगा सकते हो, उसको उस फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है,
1260 का, तो 2 से पहले इन्होंने डिवाइड किया, 2 इज़ द प्राइम नंबर, तो 2 से इन्होंने डिवाइड किया 1260 को, देन इसके बाद 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 7 से, ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स, और इसका जो है प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पे, तो 2 टाइम्स आया है इसलिए इन्होंने 2 रेज टू द पावर 2 लिख दिया, 3 भी 2 टाइम्स आया है तो इन्होंने 3 रेज टू द पावर 2 लिख दिया, एंड 5 जो है 1 टाइम आया है इसलिए 1 रेज टू द पावर 1 ना लिख के इन्होंने सिर्फ 5 ही लिखा है, अगर नहीं है तो वहाँ पे 1 रहता है, ठीक है। एंड 7 रेज टू द पावर 1 वहाँ पे रहता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। SCF and LCM, okay. Let's start with new topic SCF and LCM. चलिए SCF and LCM. तो first of all हम SCF के बारे में पढ़ेंगे। इसका short form जो है SCF है, तो इसका full form है highest common factor. Okay. इसको हम short form SCF कहते हैं, तो फुल फॉर्म इसकी होती है हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवेन नंबर्स इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर्स। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को SCF लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को हम GCD कहते हैं, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर को हम GCM कहते हैं। ओके, ठीक है। कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दिए गए दो नंबर्स, दो यानी टू और मोर देन टू गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है और कॉमन भी हो, ठीक है, उस नंबर को हम उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी SCF कहते हैं, या GCD कहते हैं, या GCM कहते हैं। ओके, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में। देखिए एग्जांपल, देखिए 24 एंड 32 आर द गिवन नंबर, ठीक है, ये दो गिवन नंबर हैं आपके, ठीक है। अब इनके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो 124 का फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। देन फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि हाउ मैनी फैक्टर्स आर कॉमन, ठीक, 1 इज़ कॉमन, 2 इज़ कॉमन, 4 इज़ कॉमन एंड 8 इज़ कॉमन, ठीक है। कॉमन मीन्स ये दोनों ही नंबर्स में पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स भी हैं दोनों के, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 एंड 8, तो इन 4 में से, ठीक है, आउट ऑफ 4 विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, 1, 2, 4, 8 में 8 है, तो हम कहेंगे कि 8 इज़ द SCF ऑफ 24 एंड 32, 24 एंड 32 का जो SCF होगा वो 8 होगा। ओके, चलिए अब मेथड क्या है जिसके थ्रू हम SCF को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, उसके थ्रू कैसे निकालते हैं हम SCF को, ठीक है, प्राइम नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे, उस नंबर्स को जो दिया हुआ नंबर्स हैं, जो दिए हुए नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं गिवन नंबर का, तो गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर
इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। देन आप उनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हो, फिर लीस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स का क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक। जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो एचसीएफ होगा। चलिए इसका देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो 144 एंड 198 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 144 एंड 198 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं। तो 144 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, तो आप क्या करते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यहाँ तो नंबर ऑफ़ टूज़ देखो कितने 4 हैं, तो यहाँ पे हम 2 raised to the power 4 लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ 3 कितने 2 हैं, तो 3 raised to the power 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर 198, तो 198 को आप 2 × 3 × 3 × 11 कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, 2 × 2 है, 3 2 times है, तो 3 raised to the power 2 लिख सकते हो एंड × 11। अभी आप देखो लीस्ट पावर आपको देखना है कॉमन फैक्टर्स का। यहाँ पे आप देखोगे 2 जो है कॉमन बोथ 140 में है, देखो 144 में भी है, 198 में भी है, तो 2 को ले लिया, तो लीस्ट इसका हो गया 1 जो काम है पावर, क्योंकि 2 raised to the power 1 ग्रेटर है और 2 raised to the power 1 स्मॉलर है, तो इसको हम स्मॉलर वाले को लेना है, लीस्ट वाले को लेना है, ठीक है। और 3 × 3 ये दोनों में है, ठीक है, तो हमें दोनों पावर देखनी है, तो ये पावर कॉमन है, तो हम लीस्ट पावर क्या है 3 raised to power 2, तो उसी को ले लेते हैं, ठीक। और 11 कॉमन है नहीं, इसलिए इसको ले लेते हैं। अब इन दो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 raised to power कितना होता है, 9 होता है, तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा, ठीक है। या आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, देखो आप कॉमन निकालो, जब आपको पावर्स नहीं आ रही हैं तो आप क्या करो, आप कॉमन का सर्कल बना लो, कितने नंबर्स दोनों में कॉमन है, तो देखिए आप फर्स्ट 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर आप 3 देखो, 2 3 ऊपर भी है, 2 3 नीचे भी है, तो दोनों कॉमन हो गए, तो उसमें से आप एक पेयर बाहर ले लो, और ऊपर से जो एक इस पेयर में 2 2 जो दोनों में कॉमन है उनमें से एक 2 बाहर ले लिया, तो मैंने 2 × 3 raised to power 2 कर दिया, यानी तो 3 raised to power 2 9 होता है, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल सेकेंड भी कर लो, उसमें भी आप डिवाइड करोगे 2 से, यानी प्राइम नंबर से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 2 396 में आएगा 2 raised to power 2 एंड 3 raised to power 2 × 11, और 1080 में आप देखोगे तो 2 raised to power 3 × 3 raised to power 3 × 5। अब देखो लीस्ट कॉमन क्या है, जो है तो 11 और 5 तो दोनों कॉमन है ही नहीं, ठीक। अब 2 और 3 कॉमन है दोनों में, तो लीस्ट इनकी जो पावर क्या होगी, 2 raised to power 2 और 3 raised to power 2 होगी, क्योंकि दोनों ही कॉमन होंगी दोनों में, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, 2 raised to power 2 का होगा 4 एंड 3 raised to the power का वैल्यू होगा 9, तो 4 × 9 का जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आएगा, ओके। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी सेम इसी तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिवीजन मेथड के थ्रू आपको क्या करना होता है, 2 or more than 2 नंबर्स तो दिए ही रहेंगे, उन्हीं का एचसीएफ ने आपको फाइंड आउट करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है कि स्मॉलेस्ट वाले को आपको डिवाइज़र बनाना है, ठीक है।
और जो ग्रेटेस्ट होगा वो डिविडेंड होगा, ठीक है। तो इस डिवाइजर से आप डिविडेंड को डिवाइड करते जाओ, ठीक। इसके बाद जहाँ पर वो एग्जैक्टली यानी विदाउट लीविंग रिमाइंडर, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, वही नंबर आपका SCF होगा। कैसे, आइए आपको एग्जांपल के थ्रू कराते हैं। फाइंड द SCF ऑफ 161 एंड 345 बाय डिवीजन मेथड, यानी आपको 161 एंड 345 दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबरों का डिवीजन मेथड के थ्रू SCF फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ वी विल डू इट, देखिए कहना है तो हमने बोला था स्मॉलर वन को आप डिवाइजर बनाओगे और ग्रेटर वाले को आप क्या करोगे, डिविडेंड। तो आप 161 को से 345 को डिवाइड करोगे, ठीक। तो आपने डिवाइड कर दिया, ओके, आपने डिवाइड कर दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना है, तो 161 टू ज़ा हो जाता है 322, तो 345 जो है बड़ा है 322 से, नहीं तो माइनस कर दिया। देन मार इसने लीव किया रिमाइंडर 23, यानी 23 यहाँ रिमाइंडर आ गया, ठीक। अब ये रिमाइंडर क्या हो गया, आपका डिवाइज़र बन गया, ठीक है, डिवाइज़र बन गया। मतलब ये अब जो पहले वाला जो डिवाइजर था 161, यानी वो बन गया अब आपका डिविडेंड। अब ये जो रिमाइंडर बचा है वो बन गया डिवाइज़र। अब ये जो है 161 को डिवाइड करेगा, तो 23 जो है डिवाइड करेगा 161 को, तो 23 सेवन जा 161, माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बचा। देन 23 जो है ये हो गया SCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 161 को भी डिवाइड कर सकता है और 345 को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें 513 है एंड 783, ओके। तो ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है आपको पता ही चल गया होगा कि 513 स्मॉलर है एंड 718 ग्रेटर। तो आपको क्या करना है, 513 को डिवाइज़र बनाना है, 783 को डिविडेंड बनाना है, ओके। आप वन टाइम लेके जाओ, क्योंकि टू टाइम जाएगा तो 1000 के ऊपर चला जाएगा, तो वो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए नहीं जा पाएगा। इसलिए वन टाइम में लेके जाओ, तो 513 इसने लीव किया रिमाइंडर 270, अब 270 डिवाइज़र हो गया और ये 513 को डिवाइड करेगा। तो 513 को डिवाइड करेगा तो वन टाइम गया, क्योंकि टू टाइम हो जाता है 540, तो ग्रेटर हो जाएगा। तो जब वन टाइम लेगा तो 243 इसने लीव किया रिमाइंडर। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 243 जो है 270 को डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये वन टाइम हो गया, तो फिर ये 27 लीव किया रिमाइंडर, और 27 जो है 243 को 9 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, SCF हो गया 27, 513 एंड 783 का जो SCF होगा वो 27 होगा, ओके। नेक्स्ट, अब सपोज दैट मोर देन टू नंबर्स हो, देन व्हाट विल यू डू। देखिए एट दैट टाइम हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने पहले फॉलो किया था। स्मॉलर वन से क्या करेंगे, अगर थ्री नंबर्स हैं तो हम सेकंड वाले जो सेकंड ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर वाले से, ठीक है। तो आप देख रहे हो 136, 170 एंड 255, तो यहाँ 136 सबसे स्मॉलर है, 170 जो है सेकंड में ग्रेटर है, एंड फर्स्ट ग्रेटर क्या है 255, तो ग्रेटर नंबर 255 है, सेकंड वन 170 एंड लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है 136, तो 136 170 को डिवाइड करेगा, 34 वन टाइम में लेके गया ये 136, तो 34 इसने रिमाइंडर आया, फिर 34 क्या करेगा 136 को 4 टाइम्स में डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली,
तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये 34 SCF हो गया 136 एंड 170 का, ठीक है। देन आप क्या करो, जो आपका दो नंबर का SCF आया है उस SCF से आप ग्रेटर वाले को डिवाइड कर दो, यानी ग्रेटर नंबर को डिवाइड कर दो। तो आपका SCF 34 आया है, तो आप 255 को डिवाइड कर दो, तो 7 टाइम जब आप डिवाइड करोगे तो 238 आएगा, ठीक है। 238 को माइनस कर दो 255 से, देन आंसर आएगा 17। ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा 17, और 17 जो है 34 जो डिवाइज़र है अब वो बन गया डिविडेंड। तो 34 को क्या करेगा, 17 डिवाइड कर देगा 2 टाइम में। तो अब जो है 17 है, इट विल बी द SCF ऑफ 136, 170 एंड 255, और 17 क्या होगा, इन तीनों नंबरों का SCF होगा, ओके, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आप देखोगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों नंबर कोई एक ऐसा नंबर है जो अगर दोनों को डिवाइड करे, यानी वो कॉमन फैक्टर ऐसा होगा जो दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, और दोनों नंबरों को अगर वो एक एक करके डिवाइड करता है तो जो फर्स्ट नंबर है 285 अगर उसको डिवाइड करता है तो 9 रिमाइंडर आता है, अगर दूसरे नंबर को यानी 1249 को डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर आता है वो 7 आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबरों से जो रिमाइंडर आ रहा है यही ज़्यादा नंबर है, तो इन दोनों को क्या करोगे, आप दोनों नंबरों से रिस्पेक्टिवली माइनस कर दोगे। देखिए 285 से माइनस 9 कर दिया एंड 1249 से 7 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या मिल रहा है, जब 285 से 9 माइनस किया तो 276 आया, एंड 1242 से माइनस किया 7 तो आया 1242, ठीक है। अब 276 से क्या हुआ, स्मॉलर है, हमको SCF निकालना है, तो दो नंबर हमको मिल गए। अब इनका कॉमन नंबर यानी कॉमन फैक्टर निकालना है हमको, तो 276 से 1242 को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिवाइड करते चले जाओ जैसे आप प्रोसेस किए हो। तो जब आप 276 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 1104, तो उसको माइनस कर दिए तो आंसर आ रहा, रिमाइंडर आया 138। तो 138 276 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर दिया, तो आपका जो रिक्वायर्ड जो नंबर था वो SCF जो आया 130 से, जो रिक्वायर्ड नंबर जो था वो 138 आया, ओके, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है LCM, ओके।